अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मेरे परदेसी भाइयों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। क्योंकि सऊदी अरब में आज चांद नज़र आ चुका है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी देर पहले यह बयान दिया गया था कि ताइफ में मौसम की खराबी की वजह से चांद नज़र नहीं आया है, लेकिन बाद में यह फैसला आ चुका है कि सऊदी अरब में चांद नज़र आ चुका है। और सऊदी अरब से जुड़े हर देश में ईद उल फित्र की नमाज और ईद उल फित्र अदा किया जाएगा। जुमे के दिन 21 अप्रैल को जुमे के दिन ईद उल फित्र मनाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट, बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में शनिचर के दिन ईद मनाया जाएगा। ये बहुत लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले कुछ जरूरी अपडेट है, ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। जैसा कि जो लोग भी फितरे का रकम अदा नहीं किए हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, गल्फ कंट्री में रहते हैं, तो सऊदी अरब के हिसाब से एक इंसान के पीछे, एक आदमी के पीछे 20 रियाल फितरा का रकम अदा किया जाना चाहिए। यानी 20 रियाल आपको जमा कराना होगा, किसी गरीब को दे या आप इदारे में जमा कराए या अपने देश में अपने घर वालों को बोलकर उतना रकम अदा कर सकते हैं। ईद उल फित्र की नमाज से पहले फितरा अदा करना बहुत जरूरी है। अगर आप मालदार है तो आपको जकात भी देना फर्ज बनता है। तो आप गरीबों का ख्याल रखें, जिस तरह से आप लोग अपने बीवी बच्चों को, अपने खानदान को, अपने घर वालों को खुश रखते हैं, नया नया कपड़ा दिलवाते हैं, इसी तरह से अपने आजू बाजू वाले गरीब का भी ख्याल रखा करें। उनके घर में जो परेशानी या गरीब है, उनके बच्चे का ख्याल रखें कि उनको नया कपड़ा मिला है या नहीं मिला है। सबसे पहले आप अपने आजू बाजू, अपने खानदान में अगर कोई गरीब है तो उसका ख्याल करें, और अपने पड़ोस में जो भी गरीब है उसका ख्याल करें। उसके बाद आप बाहर के गरीबों पर ध्यान दें, ये बेहतर है। अगर हर इंसान, हर मुसलमान अपने आजू बाजू वाले का ख्याल रखेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। सबके सब खुशियां मनाएंगे और सबके सब जश्न मनाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा, ईद आने की खुशी से ज़्यादा गम होता है रमज़ान जाने का। क्योंकि ईद में तो लोग खुशी मनाएंगे, एक दिन मनाएंगे, लेकिन पूरे रमज़ान जो खुशियाँ होती है, ये आपको पूरे साल में कभी भी नहीं मिल सकता है। लोग इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला उससे कमी नहीं देता है। क्योंकि आपको पता होगा, रमज़ान में एक के बदले 10 से 70 मिलता है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखना है, ताकि वो लोग भी ईद हमारे साथ खुशी खुशी मना सके। तो जो लोग भी सवाल उठा रहे थे कि इस साल रमज़ान का महीना 30 का होगा, लेकिन आज लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, चांद भी नज़र आया है, तो 29 का रोज़ा ख़त्म हो चुका है और जुमे के दिन ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। और आपको पता होगा, सऊदी अरब में फजर के एक घंटा बाद, आधा घंटा बाद ही ईद की नमाज की शुरुआत हो जाती है, तैयारी हो जाती है। तो आप अगर लेट करेंगे, काफ़ी लोग सो जाते हैं, मेरे परदेसी भाई अक्सर सो जाते हैं, तो ये आप गलती ना करें। अगर आपको नमाज अदा करना है तो फजर के साथ ही आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, फजर के बाद ही पहुँच जाए, बेहतर रहेगा, आपको जगह भी मिल जाएगी और आप ईद मना सकते हैं, ईद उल फित्र की नमाज अदा कर सकते हैं। तो तमाम आलम इस्लाम को और तमाम मेरे परदेसी भाइयों को ईद मुबारक।